6 SS Day 4. This is the book cover, Social Science, Standard 6, Second Semester. Chapter number 2. The Climate and Natural Resources of Gujarat. In this lesson, we will see the climate of Gujarat and the natural resources available in Gujarat to enrich the nature. Let's start the lesson. Dear children, we experience different climatic conditions in different seasons. We experience severe cold in winter and severe heat in summer. We also experience heavy rainfall during monsoon. So it can be concluded that there are merely three seasons, winter, summer and monsoon. In all these three seasons, we experience different climate and temperature. बच्चों, अब हम हर टाइम हर सीज़न में अलग अलग टेम्परेचर फील करते हैं और अलग अलग माहौल फील करते हैं. जैसे ठंडी के सीज़न में हम ठंडी महसूस करते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं. गर्मी के टाइम हम सूती कपड़े पहनते हैं, एसी लगाते हैं, फ़ैन ऑन कर देते हैं, हमें गर्मी लगती है. बारिश के सीज़न में हम पानी महसूस करते हैं, आजू बाजू हमारे पानी पानी वो रहता है, बारिश गिरी रहती है, गीलापन रहता है, मॉइस्चर रहता है, डैम्प हो जाता है. इस तरीके से हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग महसूस करते हैं. तो इससे हमको पता चलता है कि हमारे यहाँ तीन मेन सीज़न है. एक है सर्दी, दूसरी गर्मी और बारिश, ऐसे विंटर्स हमारे यहाँ मानसून, ऐसे तीन हमारे यहाँ मेजर सीजन्स हैं. तो इन तीन सीज़नों में हम लोग अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग टेम्परेचर महसूस करते हैं. तो चलो देख लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट किसे कहा जाता है? द एवरेज वेदर कंडीशन लाइक कॉन्सिस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. अभी क्लाइमेट ऐसा होता है कि कोई एक जगह पे कॉन्स्टेंटली सेम टेम्परेचर रहे. जैसे बेस्तान में चार दिन तक गर्मी रही तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट गर्म है, ना कि एक दिन में वो बदल जाती है. एक दिन गर्मी, एक दिन ठंडी हो जाएगी, तो हम वी कैन नॉट से बिकॉज द क्लाइमेट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. फॉर टू मेक अ थिंग्स कंसिडर इन क्लाइमेट, द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी शुड बी कॉन्स्टेंट फॉर फ्यू डेज ऑन अ स्पेसिफिक पीरियड. तो कुछ दिनों तक वहाँ ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए, तो ही हम उसे बोलेंगे क्लाइमेट, अदरवाइज वो तो टेम्परेचर हो गया. अभी ये मैप में, इन दिस मैप, ये जो ग्रीन कलर के एरोज हैं, दैट आर द मॉइस्चर बेरिंग विंड्स ब्लोइंग ओवर द अरेबियन सी. अभी ये मॉइस्चर बेरिंग विंड्स हैं, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर वाली एरिया से ड्राई एरिया की तरफ जाते हैं. जैसे कि ये अरेबियन सी है, यहाँ पे पानी है, काफ़ी मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है. तो ये जब भी हवा चलती है तो ये हवाएं मॉइस्चर लेकर जाती हैं ड्राई एरिया में. ड्राई एरिया कौन सी है? ये सारी पूरी ड्राई एरिया है. तो ये इस एरिया में जाकर वहाँ पर बारिश गिरने की संभावना क्रिएट करती है. कौन सी वाली विंड? ग्रीन कलर की जो है, दैट इज़ मॉइस्चर बेरिंग विंड. ये मॉइस्चर लेकर जाती है ड्राई एरिया में. ड्राई एरिया कौन सा है? गुजरात वाला. अभी वंस इट्स गॉन टू द ड्राई एरिया, दैट इज़ टू द लैंड एरिया, व्हाट हैपेंस? ऑल द मॉइस्चर रिटेन्ड इन द क्लाइमेट. और मॉइस्चर पूरा उसमें घुल जाता है क्लाइमेट में. अब क्या हो गई यहाँ की हवा? ड्राई हो गई. अब ये ड्राई हवा क्या करती है? फिर से वो ब्लो होती है टूवर्ड्स द अरेबियन सी एंड इट कैरीज द मॉइस्चर एंड अगेन मूव टूवर्ड्स द लैंड. इन दिस वे द विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड फ्रॉम लैंड टू सी. इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? दिस इज अ सीजनल विंड ऑफ गुजरात. गुजरात एक्सपीरियंस वेरिएशन इन क्लाइमेट. गुजरात का क्लाइमेट कैसा है? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, वेरिएशन मतलब विविधता है इसमें.
मैक्सिमम पार्ट ऑफ लैंड ऑफ गुजरात लाइज इन द टॉरिड जोन, और सूखी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया टॉरिड जोन में, दैट मीन्स सूखी एरिया में आती है। देयरफॉर इट एक्सपीरियंस हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, और इसकी वजह से गुजरात का एक जो टेम्परेचर क्लाइमेट है, समर हॉट है और ठंडियाँ बहुत कोल्ड है। द सी शोर ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस लेस हीट इन समर, लेस कोल्ड इन विंटर एंड मोर रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। एंड नाउ दो एज वी नो कोस्टल एरिया क्लाइमेट ऑलवेज मॉडरेट रहता है, नदर टू मच हीट नदर टू मच कोल्ड, और देर इज अ लॉट्स ऑफ रेनफॉल बिकॉज द ह्यूमिडिटी इज मोर, सो द रेनफॉल इज मोर। इसलिए गुजरात का क्या कोई भी कोस्ट होगा उसका क्लाइमेट ऐसा ही होगा, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी और बारिश बहुत सारा। सो इट इज सेड टू हैव मॉडरेट क्लाइमेट, और ऐसे क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट क्लाइमेट। बहुत ज़्यादा होगा दैट इज एक्सट्रीम, और मीडियम रहेगा तो मॉडरेट। द शोर एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक ओशनिक क्लाइमेट, सो जो भी शोर्स हैं, शोर्स मतलब किनारे, अभी ये शोर है, ये एरिया वाली पूरी शोर है, ये पूरा शोर है गुजरात में, मोस्टली सबसे ज़्यादा शोर एरिया आती है, तो ये जितने भी शोर्स हैं, किनारे हैं, दरिया किनारे, वो उनमें ओशनिक क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। ओशनिक क्लाइमेट कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट मतलब न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी और बारिश बहुत सारी। द टूरिस्ट सेंटर नियर द कोस्ट लाइक तीथल, उभराट, नागरगोल, चोरवाड, प्रभासपत्तन, अमेदपुर, मांडवी, कच्छ आ सच प्लेसेस, और ये सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, यहाँ लोग घूमने फिरने जाते हैं और एंजॉय करने जाते हैं। टर्न द पेज चिल्ड्रेन, लेट्स सी द कंटेंट ऑफ नेक्स्ट पेज। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ गुजरात, अभी क्लाइमेट किस तरीके का है गुजरात का, लेट्स सी विंटर, यहाँ की ठंडियाँ कैसी हैं। द टेम्परेचर इज लो इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस ऑफ गुजरात फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुअरी, अभी यहाँ पे दिसंबर से फेब्रुअरी तक सारे पार्ट्स गुजरात के ठंडे रहते हैं। जनरली द एटमोसफियर इन कोल्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन, और एटमोसफियर कैसा रहता है, ठंडा रहता है। मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड इन विंटर सीजन इन द मंथ ऑफ जनवरी, और सबसे ठंडा, ठंडी में भी चार महीने होते हैं, तो सबसे ठंडा कौन सा मंथ रहता है, दैट इज जनवरी। द मैक्सिमम कोल्ड टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। कोल्ड एंड स्ट्रोमी विंड्स ब्लो फ्रॉम द सेंट्रल सी ओवर गुजरात, ड्यू टू विच सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस लिटिल बिट रेनफॉल विच इज कॉल्ड शावर माथू इन गुजराती। तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड ये शावर्स बढ़ते हैं, कोल्ड एंड स्ट्रोमी विंड रहते हैं, ठंडी विंड रहती है और स्ट्रोमी मीन्स जोर से हवा आने वाली, ये सेंट्रल सी पे से बहते बहते गुजरात की तरफ आती है, तो ठंडी के सीज़न में यहाँ बारिश का एक्सपीरियंस होता है, जिसे कहते हैं हम शावर, और गुजराती में उसका नाम है माउथू। समर गर्मी की सीज़न कैसे रहती है गुजरात की, लेट्स सी। द टेम्परेचर रिमेन हाई फ्रॉम मार्च टू मे इन गुजरात, और टेम्परेचर बहुत गर्म होने लगता है मार्च से लेकर मे तक। द हाइएस्ट टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड इन मे, और हाइएस्ट टेम्परेचर मे में, गर्मी यहाँ मार्च से अप्रैल में शुरू होती है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मे में रिकॉर्ड किया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ गुजरात टेम्परेचर रीचेस अप टू 45 डिग्री सेल्सियस, और सेंटीग्रेड तक 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है।
द टेम्परेचर इज मॉडरेट नियर द कोस्टल एरिया ड्यू टू वेव्स एंड टाइड्स, और वेव्स टाइड्स की वजह से गर्मी में भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। किसको नहीं पड़ता है फ़र्क? कोस्टल एरिया वालों को। मॉनसून, बारिश देखते हैं। आफ्टर मे ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स द प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज इन एयर एंड द रिजल्टेंट रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर एंड इज नोन एज रेनी सीजन। अब साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं जो वो मई के बाद बहने शुरू हो जाती है और वो समुद्र से लेकर हवा आती है और ज़मीन पर ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देती है और एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होने लगती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जून से लेकर सेप्टेम्बर से बारिश की सीज़न चालू हो जाती है, दैट इज़ योर रेनी सीजन। फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जून द मानसून सीजन स्टार्टेड विथ थंडर एंड स्ट्रोम। तो जून की जो दूसरी वीक रहती है और तीसरी वीक, यहाँ से मोस्टली थंडर मतलब जो बिजली कड़कती है, स्ट्रोम मतलब तूफान, बिजली कड़क के तूफान में आने की शुरुआत होने लगती है। समटाइम्स द विंड ब्लो एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। विंड इतनी ज़ोर से ब्लो होती है, आप एक्सपीरियंस करोगे कि सारे कपड़े उड़ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं हमारे, और ज़ोर ज़ोर से हवा आंधी की 100 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड में हवा ब्लो होने लगती है। सच साइक्लोनिक विंड कॉज हैवी डिस्ट्रक्शन नियर द कोस्टल एरिया, और ऐसा कभी हुआ तो ये भी कोस्टल एरिया पे जो भी चीज़ें रहती हैं वो उड़ा ले जाती हैं, साथ में छपरे विपरे सब उड़ा लेती, घर तोड़ देते हैं, झाड़ गिरा देते हैं और भी कोई प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करते हैं। तो ऐसे साइक्लोनिक विंड रहते हैं ये, जो हैवी डिस्ट्रक्शन करते हैं, तबाही मचाते हैं। कहाँ पर मचाएंगे वो लोग? कोस्टल एरिया पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो जैसे जैसे लैंड की तरफ आते जाएंगे, अंदर की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे उनको ऑब्स्टिकल्स मिलते जाएंगे, मीन्स उनको रुकावट मिलती जाएगी और धीरे धीरे उनकी स्पीड कम हो जाएगी। द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। अभी ये क्लाइमेट का ह्यूमन लाइफ पे, इंसानी लोग पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है? चेंजिंग सीजन ब्रिंग्स अ रिफ्रेशिंग चेंज इन आवर डेली रूटीन। अभी बहुत गर्मी के बाद ठंडी लगने लगेगी तो हमको बहुत प्लेजेंट फील होगा, या फिर बहुत गर्मी के बाद बारिश आने लगेगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत बारिश के बाद थोड़ी गर्मी फील होगी तो भी हमको अच्छा लगेगा। तो ये दैट फील्स वी फील प्लेजेंट आफ्टर चेंजिंग इन सीजन, दैट गिव्स अ रिफ्रेशिंग चेंज। Our life is affected with the cycle of season. हमारी लाइफ का असर होता है सीजन से, सीजन की जो भी साइकिल रहती है, जब मीन्स आफ्टर समर द मानसून विल कम, आफ्टर मानसून द विंटर विल कम, एंड द विंटर आफ्टर विंटर द समर विल बिगिन। दिस इज अ साइकिल एंड इट गोज ऑन एंड इट्स कंटिन्यूस। तो वो हमारे लाइफ पे भी असर करती है। वी सेलिब्रेट एंथुजियास्टिकली द फेयर्स एंड फेस्टिवल ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, और हम अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ें और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। फेयर्स मतलब मेले रहते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति पे कोई मेला लगा, शिवरात्रि पे मेला लगा, या फिर होली के टाइम मेला लगा, अलग अलग जगहों के अलग अलग मेले कंडक्ट होते हैं, और इस तरीके से हम मेले और फेस्टिवल्स को सीजन के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। बाय सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स वी एन्जॉय चेंज एंड हैप्पीनेस विच गिव्स अस पीस, और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर करके हम लोग को खुशियाँ मिलती हैं और शांति मिलती है। जैसे दिवाली में हम दिए जलाते हैं, होली में रंग खेलते हैं, मकर संक्रांति में काइट फ्लाई करते हैं, तिल गुड़ खाते हैं, दिवाली में हम करंजी चकली खाते हैं। तो दिस गिव्स, वाई वी आर डूइंग दिस? जस्ट फॉर आवर हैप्पीनेस, हमको खुशी मिलती है इसलिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस सीजन्स, अभी वेरियस सीजन को कैसे डिस्क्राइब किया है? This is written in Gujarati.
शीतल वाया, पान खरे घऊ पेड़ा थे, पाके गोल कपास कठोर, तेल धरे छे तांबोल। इस ऑल सीजन्स में ये क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें उगती हैं और कैसे उसको हम कंज्यूम करते हैं वो लिखा गया है। ओके, टर्न द पेज। पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर एंड कॉटन क्लोथ्स इन समर। अभी पीपल कैसे कपड़े पहनते हैं ठंडी के सीजन में, वुलन और कॉटन इन समर। ड्यूरिंग मानसून पीपल यूज रेन कोट एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन। और बारिश हुई तो वैसे ही हम लोग छतरी निकाल लेते हैं और रेनकोट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भीगना नहीं रहता है, इसलिए हम लोग टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन वी वेयर रेन कोट्स एंड वी टेक अम्ब्रेला विद अस। With a change in season, we get to notice the change in variety of crops and fruits. जैसे सीजन बदला मार्केट में नई नई चीज़ें आने लगती। जैसे कि ठंडी की सीज़न चालू हुई वैसे हमने मूली देखने लगे, फिर बड़े बड़े पत्ता गोभी, फ्रेश फ्रेश कैबेज फ्लावर्स सब आने लगे, फ्रूट्स आने लगे। जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई हम देखने लगे मार्केट में काकड़ी आने लगी है, वाटरमेलन आने लगे। दिस थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन सीजन। एज अ सीजन स्टार्ट द थिंग्स स्टार्टेड ग्रोइंग एंड गिविंग अस अ बेटर क्रॉप। पीपल एंजॉय ईटिंग बेरीज एंड गुआवास इन विंटर एंड मैंगोज इन समर, वेयर इज द ब्लैकबेरीज आर सेवर्ड इन मॉनसून। अब क्या देखो, बेरीज रहती हैं एंड गुआवास बोर और अमरूद ठंडी में मिलती है, मैंगोस गर्मी में मिलती है, और जो ब्लैकबेरीज रहती हैं जामुन रहते हैं वो मॉनसून के सीज़न में आती हैं। तो ये सीजनल फ्रूट्स रहते हैं, सीजनली हमको मिलते हैं। जबकि पहले तो सीजनली मिलते थे लेकिन आजकल पूरे साल अवेलेबल हो जाते हैं, बट मोस्टली आपको क्वान्टिटी सीज़न में ही अच्छी मिलती है। नेचुरल रिसोर्सेज, अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज देख लेते हैं गुजरात के। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स दैट कैन बी ड्रॉन आउट व्हेन नीडेड आर कॉल्ड रिसोर्सेज। और अलग अलग चीज़ें जो हमको हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और ये नेचर में होता है, ना कि उसे मैन मेड है किसी ने बनाया। हाँ, उसमें से जो रिसोर्सेज में हम कंज्यूम करते हैं भले वो मैन मेड होगा, बट द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर। जैसे कि पेट्रोलियम, हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो पेट्रोल को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? वो ज़मीन के अंदर होता है, वहाँ से हम लोग पेट्रोलियम को निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं एंड वी यूज़ द पेट्रोल। सो पेट्रोल इज नेचुरल रिसोर्स। वी बिल्ड हाउसेस टू लिव एंड बाय क्लोथ्स टू वेयर। हम घर बनाते हैं रहने के लिए और कपड़े खरीदते हैं पहनने के लिए। दीज आर कॉल्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। और इसे हम फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि वो हम इसके बाद डायरेक्ट उसको यूज़ करने वाले हैं, दैट मीन्स इट्स फिनिश्ड। जैसे कि मम्मी ने कुरमुरा लाया, उसको सेक लिया है और मसाला डालकर भेल बना दिया। अभी जो ये जो भेल है आपके सामने, दैट इज़ फिनिश्ड। इसके आगे तो कोई कुछ करने वाला नहीं, हमको खाली उसको कंज्यूम करना है, उसको हमको खाली खाना है, दैट इज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट। और रॉ मटेरियल क्या हो गया? कुरमुरा। ममरा लाई है जो मम्मी, उसका वो कुछ बनाने वाली है, दैट इज़ रॉ मटेरियल। मैनी रिसोर्सेज आर गिफ्टेड टू अस बाई नेचर एंड कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, चीज़ें ऐसे रहते हैं जो भगवान ने हमको, गॉड ने हमको दी है, दैट इज नेचुरल, नेचर से दिया गया है, इसलिए इसे कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टेट मेनली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द स्टेट। और इकोनॉमिक किसकी कितनी डेवलप है ये किस पर डिपेंड करता है कि उस स्टेट में कितने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उतनी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम मतलब ऐसी
धारणा कर सकते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड अस रिवर, लेक, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड्स एंड माउंटेंस। अभी नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या है, नेचर ने हमको क्या क्या गिफ्ट दिया है। रिवर्स नदियाँ दी हैं, लेक्स तालाब दिए हैं, एयर मतलब हवा है, सनलाइट सूरज की रोशनी, फॉरेस्ट जंगल, एनिमल्स प्राणी, बर्ड्स पक्षी एंड माउंटेन्स मतलब पहाड़, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं बिकॉज इट्स गिफ्टेड बाय नेचर। गांव जाते हो बच्चों तो देख लेना वहाँ पे कैसे रिवर पॉन्ड्स अलग अलग रिसोर्सेस है पानी के, तो ज़रा नोटिस करना। ओके, दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर, आपके आजू बाजू कहीं ना कहीं ये आपको दिखेंगे। इज इट क्लियर? नाउ टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज। Here is the map of Gujarat which has different rivers and lakes. हमारा सूरत यहाँ पे आता है, देखो हमारे पास तापी रिवर है, this is तापी रिवर, so सूरत comes here. Water resources, Gujarat is endowed with several rivers, lakes, wells, stepwells, streams, ponds and oceans. अभी गुजरात के पास ऐसे बहुत सारे rivers, lakes, wells, wells मतलब कुएं हैं, stepwells मतलब खोदी हुई कुएं रहते हैं जो स्टेप्स के फॉर्म में रहते हैं, वाव बोलते हैं हम इसको, वो वाव जो रहती है जैसे रानी की वाव रहती है उसमें स्टेप्स बनाए रहते हैं, पहले वो पुराने ज़माने के राजा रजवाड़े लोग खोदे रहते हैं अपने प्रजा के को पानी पाने के लिए, तो वो स्टेप वेल्स हैं, स्ट्रीम्स मतलब झरने, पॉन्ड्स मतलब छोटा तालाब एंड ओशन मतलब बड़ा दरिया। तो यहाँ से गुजरात के पास पानी आता है। देर आर रिवर्स लाइक बनास, सरस्वती, रूपेन, मेशव, साबरमती, वटक, माही, विश्वामित्र, धंधर, नर्मदा, कीम, तापी, पूमा, पूर्णा, कावेरी, कंकावती, भाखी, आजी, बुदर, शेतुरुंजी एंड माचू एक्सेट्रा। सम रिवर्स ऑफ नॉर्थ गुजरात लाइक बनास, सरस्वती एंड रूपेन ड्रेन इनटू स्मॉल रन ऑफ कच्छ, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनलैंड रिवर्स। अब ये मैप में देखो, कुछ रिवर्स ये बनास, सरस्वती और रूपेन जो ये तीन रिवर हैं ये आके रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती हैं, ना कि वो समुद्र में मिलती हैं, तो ये समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, इनका पानी कम रहता है और रन ऑफ कच्छ में ये ख़त्म हो जाता है, इसलिए इन तीन रिवर्स को हम बोलते हैं इनलैंड रिवर्स, वो अंदर ही ख़त्म हो जाती है इसलिए उसे नाम दिया है इनलैंड रिवर्स। कौन सी बच्चों नदियाँ इनलैंड रिवर्स हैं? बनास, सरस्वती एंड रूपेन। व्हाई दे आर कॉल्ड इनलैंड रिवर्स? बिकॉज दे ड्रेन इनटू रन ऑफ कच्छ, दे डू नॉट रीच टिल अरेबियन सी, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इनलैंड रिवर्स। The main rivers of Gujarat are the Narmada, Tapi, Mahi and Sabarmati.
नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गुजरात, और मेन रिवर्स कौन सी हैं? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, और सबसे बड़ी लंबी कौन सी है रिवर? नर्मदा, नर्मदा रिवर सबसे बड़ी है। डू यू नो अबाउट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात? ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है? ये डैम्स कंस्ट्रक्ट किए रहते हैं नदियों पे, उसके पानी यूज़ करने के लिए, बाढ़ से रोकने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए, ड्रॉट कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए डैम्स बनाए रहते हैं, और इन डैम्स को हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। लेट्स सी सम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर रिवर्स। रिवर का नाम है तापी, उस पर कौन सा डैम आया है? उकाई प्रोजेक्ट एंड काकरा पर प्रोजेक्ट। ये तापी नदी हमारे यहाँ है, उकाई प्रोजेक्ट हमारे नियर बाई है, माही कादाना प्रोजेक्ट एंड वना कोबरी, साबरमती धारोई प्रोजेक्ट, बनास दांतीवाड़ा एंड सो ऑन। नर्मदा पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अभी लेक्स इंडिया अपने गुजरात के इम्पोर्टेंट लेक्स भी देख लेते हैं। तालाब बड़े बड़े हैं वो कौन से हैं? कच्छ में नारायण सरोवर है, वडोदरा में आजवा सरोवर है, अहमदाबाद एंड सुरेंद्रनगर पे नल सरोवर है, एंड नर्मदा पे सरदार सरोवर है। ये चार मेन सरोवर मीन्स लेक्स ऑफ गुजरात हैं। हियर्स द सेशन एंड चिल्ड्रेन रीड द लेसन एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट। थैंक यू चिल्ड्रेन।